मेरी मोहब्बत आंदी है नबी दे गुलाम जिसले अली ने नबी वल नबी ने अली वल वेखिया होवेगा नाना नैना नाल नैन मिली उड़गे अखां विच अखां पईयां उड़गियां ते मेरी मोहब्बत आंदी है मौला अली मुश्किल पुछा दे ज़ुबान ए हाल एहो आख्या होवेगा अख दा इशारा तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना सुनो सुनियो शेर मेरा जौक है तकरीर हदीस पाक है अगे सुनो अली पाक ने ना तवज्जो है अली पाक ना हाथ कदम रखे यार आका जी फरमा जी अली तक उमर वल कंजुल माल पढ़ना पे जी अली अर्ज की यार रसूल अल्लाह टाइम वेखो उतो कि सोना है अच्छा मैनु एक थोड़ी जी कन्फ्यूजन होंगी पई है मैं रबीउल अव्वल शिव जो आया सा बहर जो महफल हुई मजमा उदो यही सी ना पिंड यही लोग सन ना वो तो बड़े ठीक ठाक सन तुम सारे सुस्ती के फंडे बैठे हो क्या यार है ठंड अले एडी बहुत ज्यादा तुसा भी फर्क महसूस किया ना हो रहे हो मिलाद शिव सी तुम तो अज भैड़े हो इंज बैठे हो पता नहीं कक्कर पैन डे बोले तो हो रहे किधरे कम लम्मा ना हो जाए हजूर का जिक्र क्यों बंदा पाटा बन गया फटिया तो बैग बंदा चां चां करे छड़िया तो बैग बंदा रौला पाए बैठक च बह गया खजी मेरे तो बाद के पाटे खाई कोई नहीं अल्लाह अपने घर में बुलाए रब लजपाला दी गल करन दा मौका देवे फिर बंदा मूँह कुट के बैठे बदनसीबे खुदा की इज्जत की कसम रब राजी हो देवे जरा यार दा जिक्र सुन के मुस्कुरा के सुहाना लगा किसे चौधरी ने मेरी गल नहीं सिर्फ हजूर दे नौकर बोलन हुण बात का मजा लवो मैं बात तुहाडे ज़हन दे सांचे उतारना चाहना हजरत मौला मुश्किल कुशा हजूर नूं पता किर कीता या रसूल अल्लाह हजूर वेखो टाइम किड्डा सोहना है तज्जद दी नमाज दा वेला है हजूर तो नोट के वजू कराना लज पा लो कुछ चोली पाओ ना जी और सुनियो सुनो है जिसले अली पाक ने नहीं गल की थी ना हजूर कुछ चोली पाओ अली फरमाते ने मेरे नबी पाक दा दरिया रहमत जोश में आ गया हजूर ने कर फरमा मंग अली की मंगना है मंग अली की मंगना है सुनियो अली फरमाते मैं हजूर का यह अंदाज वेख्या ना अंदाज वेख मैं क्या यार रसूल अल्लाह तुहाडे कदमां दी खाक दा सदका हर शाय मेरे को आवे लज पालो मैनू कुछ नहीं चाहिए सोने जे अज अता करन ते आए ही हो ना कुछ इलम दियो फिर थोड़ा जिहा यार रसूल अल्लाह जे अज अता करन ते आए हो ना तो थोड़ा जा इलम दियो हुण सुनो हजूर फरमाई कैसा इलम चाहना है अली आंदे ने लज पालो मैनू इस गल का पता है मैं तुहाडी जुबाने तर्जमान चो एक गल सुनी है हजूर मैनू पता है कि हजूर तुसा फरमाया कयामत वाला दिहाड़ा होगा मैदान माशर बपा होगा उम्मत भी होनगियां नबी भी खड़े होंगे सारिया उम्मत अल्लाह के हजूर पेश होनगियां हजूर मैं तुहाडी जुबान चो एक गल सुनी है कि तुसा फरमाया कि मैं अपने अल्लाह की बारगज अर्ज की है या अल्लाह जिसले उम्मत मैदान माशर कट्ठिया होना पहला मेरी उम्मत का साहब होवे
पहले उम्मत मुस्तफा का हिसाब होवे। अर्ज की या रसूल अल्लाह इस गल का मैनू पता है, इस गल का मैनू पता है कि क्यामत वाले दिहाड़े उम्मत मुस्तफा सब तो पहला हिसाब देने वास्ते जाएगी। हुण सुनो अपने नबी का फरमान। अली आंदे ने या रसूल अल्लाह पुछना है चाहना कि तुहाडी उम्मत विचों जेड़ा पहला बंदा अल्लाह के दरबार में हिसाब देने वास्ते पेश होगा वह कौन होगा? इंशाल्लाह कदी ना बोले वो जुबान जी हले भी नहीं बोली। अर्ज की मदीने का ताजदारा पुछना है चाहना यह तो पता है कि पहला उम्मत मुस्तफा पेश होना है, तुहाडी उम्मत विचों पहला बंदा जेड़ा जितों शुरुआत होगी हिसाबो किताब की वह कहड़ा होगा? अली फरमाते ने सुनियो मेरे हजूर मुस्कुरा पे, फरमाया काला अबू बकर अस्सिद्दीक। फरमाया अली मैं रब दा यार ऐलान करना जो कियामत वाले दिहाड़े हिसाबो किताब शुरू होगा ना पहला बंदा मेरा अबू बकर पेश होगा, मेरा अबू बकर हिसाबो किताब दे वास्ते पेश होगा। सुनो जरा हदीस पाक। अली आंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह अबू बकर तेरी शान तो सदके क्या बात है, तो नबी पाक ने अबू बकर तेनु हिसाबो किताब भी पहला रखी है। अली आंदे ने सुनियो, अली आंदे ने सुनियो मैं हथ बने सुम्मन सुम्मन कमली वाले अबू बकर तो बाद दूजे नंबर से कौन जाएगा? अली फरमाते ने हुजूर मैंने पूछा, हुजूर फरमा सुम्मा उमर अल फारूक। अली दूजे नंबर ते मेरे उमर ने जाना ही, दूजा नंबर मेरे उमर तो होगा, दूसरे नंबर ते हिसाबो किताब मेरे उमर तो होगा। अली आंदे ने सुभान अल्लाह वाह उमर तेरी शान तो सदके नबी पाक ने दूजे नंबर ते तुहानू रखे है। हुण सुनो सुनियो अली आंदे ने मैं मिला दियो मंगना वाले हो मैं हथ बन्ने सुम्मा मन या रसूल अल्लाह कमली वाले उमर तो बाद तीजे नंबर ते कौन जाएगा? अजूर उमर तो बाद तीजे नंबर ते कौन जाएगा? जो सवाल तुहाडे ज़हन विच आ गया ना हाय हाय हाय। अली आंदे ने मैं हजूर पूछिया या रसूल अल्लाह ए तीजे नंबर ते साहब कीदा होवेगा? ते जेड़ा सवाल तुहाडे ज़हन विच ना ए सवाल मेरे बाबे दे ज़हन विच सी लेकिन मेरे नाने ने यह जवाब नहीं दिता, यह जवाब नहीं दिता। पढ़ा दी शकंदुल माल हजूर मौला मुश्किल कुशा फरमाते ने या रसूल अल्लाह तीजे नंबर ते हिसाबो किताब कीदा होवेगा? हजूर ने जेले इनी गल अर्ज की थी ना वेखो मेरे वाले अली फरमाते ने पहला हजूर ने नजर झुकाइया सन जवाब इरशाद फरमा जिस मैं कहना हजूर तीजे नंबर ते कौन जाएगा? हजूर ने अन करके ना मेरे वाल वेखिया फरमाया सुम्मा अंता या अली सुम्मा अंता या अली अली तीजे नंबर ते तू जाएगा, अली तीजे नंबर ते तू जाएगा। मैं जुमला फिर भी बोलना अली तीजे नंबर ते तू जाएगा। अली आंदे ने सुनियो मैं सोच लग पिया मेरा तीजा नंबर ते नहीं हाय मेरा तीजा नंबर ओ बोल मेरा तीजा नंबर मेरा बाबा आंदा मेरा तीजा नंबर भी नहीं ये मस्कीन चरस पी के आंदा अली दा पहला नंबर। मैं क्या तेरी भंग लथे ना कदी तेन कदी चरस का नशा लथे तो तेन पता लगे अली ते आंदा मेरा तीजा भी नहीं अली आंदा मेरा तीजा भी नहीं तो तू भंग पी के ना अली दा पहला नंबर तेरी चरस ते भंग लथे ते तेनू पता लगे मेरे नबी ने आखिया की है। सुनियो आ जरा थोड़ी वजाहत कर देने अली आंदे ने मैं सोचिया लोको मेरा तीजा नंबर ते नहीं कोई गल नहीं हुजूर पुछ लैने अली आंदे ने मैं आखिया अईना उस्मान या रसूल अल्लाह अईना उस्मान या रसूल अल्लाह लच पालो उस्मान किधर जा रहा है? फरमाते ने मैं नहीं गल की थी ना हजूर मुस्कुरा पे फरमाया अली मेरा उस्मान एडा शर्मो हया वाला है एडा शर्मो हया वाला है अली मेरा उस्मान शर्मो हया दा पैकर है शर्मो हया दे मारे रब दे सामने खड़ा होके हिसाबो किताब नहीं दे सकेगा। अली मैं अपने अल्लाह की बारगाह चर्ज की थी या अल्लाह मेरे उस्मान नु बगैर हिसाबो किताब ही जन्नत अता फरमा दे। अली अल्लाह या रसूल अच्छा अली फरमाते ने मैं हजूर ने फरमाया अली मेरा उस्मान शर्मो हया दा पे करे मेरा रब मेरे उस्मान की हया करेगा कयामत वाले दिहाड़े मेरा रब उस्मान को हिसाबो किताब
ਉਹ ਬੋਲ ਹੋਈ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਚੰਨ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਯਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਜਿਸ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਯਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਹਯਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੇਹਯਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਯਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਚੰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਚਟਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ